नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के बड़े बड़े वादे करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज मामा की सरकार में विगत दो साल से कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर मरीजों की सेवा करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों और आयुष चिकित्सकों, लैब टेक्नीशियंस और अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा बजट का हवाला देते हुए हटाने का आदेश जारी कर दिया है। इस पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि युवाओं को रोजगार देने के बड़े बड़े वादे करने वाली शिवराज सरकार एक और तो युवा रोजगार दिवस मना रही है, वहीं दूसरी ओर झूठे वादे का नौकरी पेशा करने वाले युवाओं को भी बेरोजगार करते हुए उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। इस आदेश से मध्य प्रदेश के लगभग 3,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों और आयुष चिकित्सकों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। कोरोना महामारी में अपने और अपने परिवार की जान की परवाह किए बिना ही समाज, सरकार और कोविड मरीजों की सेवा करने वाले इन आयुष चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को सेवा के बदले बेरोजगारी का ये इनाम दिया है। स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार से पुनः अपनी बहाली के लिए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कोरोना की भीषण महामारी में मरीजों की देखभाल करने वाले आयुष डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन जो अपनी जान को जोखिम में डालकर कोविड पॉजिटिव मरीजों की देखभाल की, उन लोगों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने एक आदेश जारी कर बजट का हवाला देते हुए आज बाहर का रास्ता दिखा दिया है। एक ओर तो मध्य प्रदेश की सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, दूसरी ओर उन्हें आज नौकरी से हटाने का काम कर रही है। जो लोग दो साल से अपना घर बार छोड़कर, अपने रोजी रोटी दूसरे रोजगार को छोड़कर समाज की सेवा कर रहे थे, कोविड महामारी में समाज और देश की सेवा में लगे हुए थे, आज उन्हें सरकार ने बेरोजगार कर दिया। आज प्रदेश के 3,000 युवाओं के परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बजट का आवंटन कर जल्द से जल्द अपने पुनः बहाल करने का काम करें। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।